दोस्तों, अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, एड्रेस गलत है या फिर एड्रेस को चेंज करना है, तो अब आप इन सारे करेक्शन को सिर्फ 2 मिनट में अपने मोबाइल फोन से कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अपने मोबाइल फोन से अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरीके के बदलाव को कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरीके का करेक्शन करने के लिए अपने मोबाइल फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे। मेरे पास क्रोम ब्राउजर है, इसको ओपन करता हूँ और ऊपर टाइप करेंगे nvsp.in। इसको टाइप करने के बाद इसे सर्च करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और इस तरीके से दिखेगा। तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अपना एक अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे नीचे रजिस्टर ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है उसको हम यहाँ पे भरेंगे और भरने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओटीपी आपके उसी मोबाइल नंबर पे आएगा, तो उसको यहाँ पे डालने के बाद यहाँ वेरीफाइड पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे नीचे आई हैव ईपीआईसी नंबर के ऊपर ही टिक मार्क है बाय डिफ़ॉल्ट रूप से, इसके ही ऊपर टिक मार्क रहन देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना ईपीआईसी नंबर डालेंगे, जो हमारे इलेक्शन कार्ड में इलेक्शन कार्ड का नंबर होता है उसको यहाँ डालना है और इसके बाद यहाँ पे ईमेल डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे और उसी पासवर्ड को नीचे कन्फर्म करेंगे और पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही एक मैसेज लिख के आ जाएगा, यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली, आप रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और जो अभी हमने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को टाइप कर देंगे और फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे और इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म लिखा है, फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म 8 लिखा हुआ है, तो ये 8 नंबर फॉर्म को हमें ओपन करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 8 नंबर फॉर्म ओपन हो गया और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम इंग्लिश पे क्लिक कर देते हैं तो ये साइड इंग्लिश में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना स्टेट चुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पे आप अपना असेंबली चुन लेंगे और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना नाम टाइप करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके जैसे नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे और उसके बाद नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ नाम हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सरनेम टाइप करेंगे, ऊपर इंग्लिश में टाइप करेंगे, नीचे अपने आप इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप पार्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रल रोल और सीरियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रल रोल, तो ये आप कहाँ से लाएंगे, ये पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लाने के लिए, तो इसके लिए आप ऊपर यहाँ पे एक नया टैब ओपन करेंगे, यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ न्यू टैब पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे electoralsearch.in। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको टाइप करके सर्च करेंगे और इसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विवरण द्वारा खोज यानी सर्च बाय डिटेल और इसके नीचे लिखा है पहचान पत्र क्रम द्वारा खोज, तो हमें पहचान पत्र क्रम द्वारा खोज के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना वोटर कार्ड का ईपीआईसी नंबर डालेंगे और इसके बाद यहाँ से अपना स्टेट चुन लेंगे और इसके बाद ये कैप्चा जो है यहाँ पे फिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। तो सर्च पे क्लिक करते ही आपका वोटर कार्ड का पूरा डिटेल यहाँ पे दिखने लगेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट नंबर लिखा हुआ है 29 मेरा पार्ट नंबर है और इसके नंबर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर है 391। हम इन दोनों को नोट कर लेंगे और वहाँ पे पार्ट नंबर में 29 डाल देंगे, आपका जो भी पार्ट नंबर आएगा वो डाल देंगे और फिर सीरियल नंबर में वो डाल देंगे। तो हम पिछले पेज पे वापस चलते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमने अभी फॉर्म भर रहा था उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और वही पार्ट नंबर यहाँ डाल देंगे, फिर यहाँ सीरियल नंबर डाल देंगे। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रल्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यानी यहाँ पे आपके वोटर आईडी कार्ड मांग रहा है, लेकिन ये डालना ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करेक्शन करना है, नेम चेंज करना है कि फ़ोटो चेंज करना है या फिर एड्रेस चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, तो आपको जो भी चेंज करना है उसके ऊपर टिक मार्क करते जाना है।
तो फिलहाल मुझे यहाँ पे नेम चेंज करना है, इसके ऊपर टिक मार्क कर दिया और फिर माई फोटोग्राफ यहाँ पे इसके ऊपर टिक मार्क कर दिया। इसके बाद फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सरनेम टाइप करेंगे और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये क्योंकि एड्रेस डालने के लिए दिया है लेकिन कुछ नहीं भरना है, हम एड्रेस चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर एड्रेस चेंज कर रहे होते तो इसको हम भरते। बिल्कुल नीचे आ जाना है और यहाँ पे हमें माई फोटोग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ चूज फाइल यानी अपना फ़ोटो एक अपलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फ़ोन के डिवाइस में लेके चला जाएगा, फिर जो भी हम फ़ोटो रखे रहेंगे उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो ये एक फ़ोटो है मेरे पास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये यहाँ पे अपलोड हो गया। इसके बाद यहाँ पे एज प्रूफ लिखा है तो इस पर हमें नहीं अपलोड करना है क्योंकि हमें तो सिर्फ नेम और फ़ोटो चेंज करना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ लिखा है तो एड्रेस प्रूफ भी हमें नहीं देना है क्योंकि एड्रेस चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम, तो हम नेम चेंज कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट देना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोन के डिवाइस में ले जाएगा। फिर वहाँ से हम जो भी आईडी हमें देना है उसको स्कैन करा के रखे रहेंगे, या फिर आपके फ़ोन के कैमरा अच्छा है तो आप फ़ोटो भी खींच के उसको रख सकते हैं और फिर उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो इसके ऊपर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और ये मैं आधार कार्ड का फ़ोटो खींच के रखा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये अपलोड हो गया। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं चाहे तो नहीं दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे पहले से लिखा है तो यहाँ क्लिक करके हम अपना गाँव कस्बा या फिर शहर का नाम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद और नीचे आएंगे और यहाँ पे एक कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही दूसरा पेज खुल जाएगा और आपने जो भी जानकारी भरा था वो यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप इसमें चेक कर लेंगे कि आप सही से भरे हैं कि नहीं, और अगर आप सही से भरे हैं तो फिर यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NVSP, योर फॉर्म रेफरेंस आईडी इज, ये आपका रेफरेंस आईडी है, आप इस आईडी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको कॉपी कर लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे और फिर यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद इसी में यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे इसका स्टेटस चेक करने के लिए, और यहाँ पे उस रेफरेंस नंबर को पेस्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म का ये स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे सबमिटेड लिख रहा है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।